हाय हाय, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट मिलता रहे डेली बाई डेली। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर के उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। उससे पहले अगर कोई चीज़ का दिक्कत आता है कंटेंट में या किसी भी तरह का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से ही हम आपको कुछ इम्प्रूव करके आपको और अभी बेटर एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या आया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आया हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आया हुआ है, मतलब कि ESIC में आया हुआ है, मतलब कि जीवन बीमा में आया हुआ है। तो इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आई हुई परमानेंट जॉब के बारे में दिया गया है। इसमें जो आया हुआ है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अपर डिविजन क्लर्क, मतलब UDC स्टेनोग्राफर एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS फॉर हरियाणा रीजन इन ESI कॉरपोरेशन के लिए। तो ये जो आया हुआ एडवर्टाइजमेंट इन हरियाणा रीजन में आया हुआ है, तो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें अप्लाई करना होगा। आर इनवाइटिंग टू फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ अपर UDC स्टेनोग्राफर एंड MTS के लिए। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इन SI एज ए अंडर। ठीक है, तो वैकेंसी के डिटेल देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे UDC के लिए जो है टोटल पोस्टेज जो है इसमें 96 आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट दिया गया है। इसमें हम कैटेगरी वाइज नहीं बता रहे हैं, आपको डिटेल एक ही बार में बता देते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए जो है इसमें 13 पोस्ट निकली गई है, और MTS वालों के लिए जो है इसमें 76 पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें जो भी पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में हम आपको हमेशा अपडेट बताते रहेंगे, ताकि कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। एज पर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इसमें छूट भी दी गई है और कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। उसके बाद जो है UDC एंड स्टेनोग्राफर के लिए जो पे स्केल रहेगी वो 4th लेवल का पे स्केल रहेगा, जिसमें कि 25,000 से लेकर के 81,000 तक सैलरी रह सकती है, जो कि 7th सेंट्रल पे कमीशन भी मिलेगी। MTS वालों के लिए जो है पे स्केल जो पे लेवल रहेगा 1 रहेगा, 18,000 से लेकर के 56,900 तक जा सकता है सैलरी, एज पर द 7th सेंट्रल पे स्कीम भी मिल सकता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि इसमें TA DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज ये सारे चीज़ इसमें एज पर द नॉर्म्स रूल्स इन द फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इसमें आप लोगों को हमेशा ये वैरी करता रहेगा, DA HRA ये सब सारा चीज़ मिलता रहेगा। उसके बाद जो है डिग्री इसेंशियल जो मांगा गया है इसमें क्वालिफिकेशन जो है UDC के लिए जो है आपके पास डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस साइट्स एंड डाटाबेस, अगर ये सारा चीज़ का नॉलेज है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए जो है 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपके पास पास आउट होना चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट जो लिया जाएगा 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में है आपको 80 वर्ड्स टाइप करना है, 10 मिनट तक कंटिन्यू टाइप करना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है ओनली ऑन कंप्यूटर होगा, 50 मिनट्स का इंग्लिश और 65 मिनट्स का जो है आपका हिंदी होगा। ठीक है, MTS वालों के लिए जो है मैट्रिकुलेशन जो पास आउट है और इक्विवेलेंट पास आउट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो 10th पास वाले भी कर सकते हैं MTS के लिए। ठीक है, एज लिमिट जो है देख सकते हैं UDC के लिए जो रखी गई है 18 से 27 ईयर्स रखी गई है, जो कि क्लोजिंग डेट जो रखी गई है 15 फरवरी 2022 तक रखी गई है। तो ये फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है जो 15 फरवरी 2022 तक रहेगी। तो जो एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो उसको लोग आप लोग देख सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उसको। तो हम जो देखेंगे इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, वो भी हम दिखाते हैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही। तो हम यहाँ पे जो देखने वाले थे आपको, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए वेबसाइट दिया गया, इसके वेबसाइट पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ यहाँ से हम लोग कॉपी भी करके हम लोग डायरेक्ट लिंक पर जा करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर क्लिक करके इस पर करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है वो सारा चीज़ कोशिश करते हैं हम आपको बताने के लिए एक एक प्रोसेस को, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये ऑनलाइन टोटल टोटल एप्लीकेशन होगा जो कि इसके वेबसाइट पर दिया गया है। लास्ट जो है डेट जो है 15 फरवरी 2022 तक रखी गई है, तो इसीलिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो भी लोग एलिजिबल है तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर्म फिलअप करने के लिए ESI में, ESIC में, जो कि राष्ट्रीय जीवन बीमा जो उसको PF बोलते हैं उसमें, इंश्योरेंस वाले में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
तो ये देख सकते हैं इसमें वेबसाइट ओपन हो गई है। वेबसाइट ओपन होने के बाद इसमें देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट किसमें आई हुई है। तो यहाँ देखिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए, सुपर के लिए नहीं, इसमें भी नहीं है इंटरव्यू इम्प्लीमेंट, ये भी नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये भी नहीं है। सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ डाटा, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दिया गया है 5/1/2022 को, इसमें पब्लिश की गई रिजल्ट के लिए। उसके बाद इसके 5/1 का है, ठीक है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट द पोस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, और सारा चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो खोज करके बताते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना होती है। 4 तारीख है, तो हम लोग चलिए इसके डायरेक्ट न्यूज अपडेट में देखते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट जो की गई थी, न्यूज एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड पब्लिश प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो न्यूज एंड इवेंट्स में देखते हैं, ठीक है। इस पे देखते ही आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ के लिए आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है। रिक्रूटमेंट में इसमें हम लोग सर्च मारेंगे तो इस पे भी आ सकता है। रिक्रूटमेंट में इस पे डायरेक्ट हम लोग रिक्रूटमेंट में सर्च मारेंगे, वहाँ से हम लोग सर्च करेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोसेस के लिए आया हुआ है और क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें सर्वर डाउन है, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी। फिर भी आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा प्रोसेस पता लग सके, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेंडर वॉक इन इंटरव्यू है, और जो भी चीज़ का हमको आपको दिखता है मिलता है तो हम आपको तुरंत ही बताएंगे ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज अटल बिहारी नहीं, ये भी नहीं है। एम्प्लॉयज तो पेज खुल रहा है, अचीव रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट आया हुआ है यहाँ पे तो रहना चाहिए, बट दिखा नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है कि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। हम आपको कोशिश करते हैं पूरा चीज़ दिखाने के लिए। क्लिक हियर फॉर रिलीफ फंड चालान, हरियाणा के लिए था, हरियाणा के लिए सर्च मारते हैं, ठीक है। हरियाणा वालों के लिए था, तो हरियाणा के स्टेट में देखते हैं कि स्टेट में क्या आया हुआ है, उसी में सर्च मारते हैं डायरेक्टली, ताकि उन लोगों को पता लग सके क्या क्या आया हुआ है डिटेल में। हरियाणा के रिक्रूटमेंट में क्या क्या आया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर अपर डिविजनल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसके वेबसाइट पे जाकर के अप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। कहाँ सीरियल नंबर पिक्चर द्वारा, वेबसाइट पे जाके सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ API अपलेब, ठीक है। तो ये टोटल आपका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।